हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुव ठकरानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का यह वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप जब इंडिया से रशिया आओगे तो आपको कौन सा लगेज लेके आना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो लगेज को मैंने इम्पोर्टेंट लगेज और नॉन इम्पोर्टेंट लगेज में डिवाइड किया है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट लगेज की। तो इम्पोर्टेंट लगेज में सबसे पहले मैगी मसाला की जो 2 पैकेट है, और उसके बाद में पास में मैंने एक मार्क किया है। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ज्यादा लगेज हो तो आप ये 2 पैकेट की जगह 3 पैकेट भी ला सकते हो। तो उसके बाद है चिली पाउडर, हल्दी, जीरा, चाट मसाला, धनिया मसाला, पाव भाजी मसाला, बिरयानी मसाला, खड़े मसाले जैसे कि इलायची, काली मिर्ची वगैरह, और उसके बाद तूर दाल, मिनी मिक्सर, मोर्टर एंड पेस्ट। तो उसके बाद कसूरी मेथी, मूंग दाल के पापड़, चाय पत्ती, चाय छन्नी, चमचा, रोटी चिमटा, कुकवेयर सेट, फोर्सेप्स, दाल कोटनी। उसके बाद पोलपाट बेलन, स्लीपर्स, स्काफ, बेल्ट, ट्रिमर, कोकोनट हेयर ऑयल, बेडशीट, ब्लैंकेट, फेस्टिवल वियर जैसे कि कुर्ता पाजामा, ब्लेजर, और लड़कियों के लिए जो चनिया चोली है वो आप ला सकते हो। उसके बाद एप्रन में लॉन्ग स्लीव है ना, वैसा लेना। उसके बाद नमकीन, पानीपुरी पैकेट्स, पिकल, थेचा, साबुदाना, नोर सूप, थर्मल इनर। उसके बाद मोबाइल ग्लास, रुमाल, यूटेंसिल्स। तो यूटेंसिल्स में सेक्शनल प्लेट, कटोरी, कुकर, और उसके बाद टेबलेट्स। तो टेबलेट्स में विक्स, इनहेलर, कोल्ड फीवर, हेडेक, एलर्जी, वोमिटिंग, एक्स्ट्रा। उसके बाद गॉगल्स, नीडल एंड थ्रेड बॉक्स एंड गुड फोटो फ्रेम। इम्पोर्टेंट सामान था, अब हम बात करते हैं नॉन इम्पोर्टेंट सामान की। तो ये क्या है कि ये सामान यहाँ पे वैसे मिल जाता है लेकिन थोड़ा महंगा मिलता है। तो नॉन इम्पोर्टेंट सामान में पहले नोटबुक्स, पेन पेंसिल, कलर, सेवई सिरा, टॉवेल, नेपकिन, फेस वॉश, वॉर्म ग्लोव्स, उडी, वाटर बॉटल, पोहा, बॉडी लोशन, नाइट ड्रेस, सोप, शैम्पू, ब्रश, कॉम्ब, लंच बॉक्स, ग्लास, क्लोथ्स, बुक्स, फ्लैग एंड मोबाइल कवर। ये सारा कैरी लगेज था। अब हम बात करते हैं हैंड लगेज के बारे में। तो हैंड लगेज में पावर बैंक, चार्जर, एडेप्टर, एक्स्ट्रा केबल, ईयरफोन्स, फोन स्टैंड, वॉलेट, कॉलेज बैग, डॉक्यूमेंट फोल्डर। डॉक्यूमेंट फोल्डर में पासपोर्ट, कलर फोटो, ओल्ड डॉक्यूमेंट जैसे कि 10 और 12th के सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और इंटरनेशनल एटीएम कार्ड्स। और एक इम्पोर्टेंट बात कि जो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको आपको हैंड लगेज में ही रखना पड़ेगा। और दूसरी बात कि अभी जो ये इंटरनेशनल एटीएम कार्ड है वो यहाँ पे चल नहीं रहे है, तो आपको इंडिया से $500 मिनिमम तो लेके आने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको कम में आएंगे यहाँ पे। तो बस आज के लिए इतना ही। और आपको यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप मुझे कभी भी DM कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।